अच्छा क्या बात है। तो अभी आप देख रहे हैं इस पत्थर से लोहा निकालने की भारत की प्राचीन विधा, विधा को जो है परंपरागत तरीके से जीवित रखा है हमारे मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के और संतु मरावी जी। अच्छा जोरदार संतु भाई के लिए तालियां जरा, बहुत बढ़िया। अब ये जो है ये परंपरा तुम्हारे पिताजी ने भी किया? उनके पिताजी भी किए। अच्छा तो ये परंपरागत रूप से तुम्हारी जाति जो है करते आई है। अच्छा, इसी में हमारा गुजर बसर जो है पालन पोषण इसी में होता रहा होता। इसमें जो है देखिए कितना आयरन है, लोहे की मात्रा इसमें दिखाई दे रही है। ये देखो, ये बताओ कितना पत्थर से कितना लोहा निकल जाता है मोटा मोटी? सर इसको हम कह नहीं सकते, ये तो अंदाजित लाते हैं हम लोग। अगर फिर भी 15-20% हाँ करीबन 5 किलो अगर पत्थर लाएंगे तो 150-200 ग्राम कोयला मतलब लोहा निकलेगा। हाँ 5 किलो पत्थर में, हाँ 5 किलो पत्थर में 200 ग्राम, हाँ 250 ग्राम तक, 150 ग्राम तक निकल सकता है। अच्छा मतलब 1 किलो में 50 ग्राम। हाँ अच्छा मतलब 5% पत्थर है इसमें, 5% ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है क्योंकि हम लोग अंदाजी से लाते हैं। अच्छा उस समय में ना तो कोई मशीन नहीं था, कुछ नहीं था, दोनों कैसे लाते और गिराते थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो लोहा जो निकाला हुआ था इसका कारण ये है कि जंग नहीं खाता। अच्छा ये लोहा का जंग नहीं लगता? जंग नहीं लगता क्योंकि आग से पका हुआ शुद्ध आग से। मेरे ख्याल से इसके आग के कारण है, इसकी जो आग है ये बहुत सरई की आग, इसे जंग नहीं करता। कुंवारी लोहा से जाना जाता है इसे। अच्छा हाँ इसको अंगूठी भी पहनते हैं, उससे बिजली जो चमकता है वो नहीं करता है ना, ऐसे बहुत सारी चीजों में काम आता है। घोड़े की लाल वाली अंगूठी जो बनती है तो वो इसी से बनती है। प्रिय किसान भाइयों आप देख रहे हो भारत की परंपरागत पद्धति पत्थर से लोहा निकालने की प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया भारत की प्राचीन विद्या रही है। सबसे पहले जो है इस पत्थर को और इससे कूटा जाता है, ये देखिए ये जो है छोटे छोटे इसके टुकड़े गए कूटे गए इसको, और ये ऐसे कूटे जाते हैं। ये ऐसा टुकड़ा किया जाता है, और ये कोदो का छिलका है। हाँ हाँ ये, और ये चुरुना मिट्टी। हाँ 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 ये कोदो का छिलका जो है हाँ नीचे रखा जाएगा, रखते हैं उसमें हाँ, नीचे ऐसे डालते हैं हाँ, ऐसे करके हाँ, और फिर इसके ऊपर कैला आएगा, ये गर्म आहट के लिए है हाँ, 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 ताकि नीचे से शीतल। कैला क्या होता है? कैला कोयला, वही। अच्छा कोयला आएगा हाँ, और इसको कहाँ रखा जाता है? चुरोना मट्टी है हाँ, ये भी खदान वाला है जमीन नीचे से, इसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे रखेंगे। अच्छा अच्छा भुरका दिया जाता है, गर्माहट रहता है इससे, इससे गर्माहट रहता है, गर्माहट रहता है, शीतांत नहीं होता नीचे से, नीचे से ठंडा नहीं होगा हाँ, नहीं होगा ठंडा। वाह तो ये कितना मोटा लेयर रहता है इसका? ये कम से कम वही आधा इंच इतना ही बड़ा लेयर रहता है। और उसके ऊपर ये कितना बिछाया जाता है? हल्का हल्का बिछा देंगे। अच्छा बिछा देंगे, और इसको पोताई भी अंदर से ऐसे करेंगे, मतलब अंदर जो भट्टी रहता है उसको पोताई करेंगे ताकि गर्माहट ऐसे बना रहे। तो ये जो भट्टी है इसके नीचे रखा जाता है? अच्छा उसको गहरा तो नहीं खोदा जाता है? ये जो पत्थर है ये कहाँ से लिए? जंगल से लाए हैं। ये जंगल से लिए? हाँ, से। अच्छा अभी देखिए लाल पत्थर है, और इस लाल पत्थर में ये जो है पत्थर से लोहा निकालने की मशीन है हाँ। ये हमारा पुराने जमाने का हमारे दादा लोगों का धरोहर है। अच्छा उस समय में कोई साइंटिस्ट नहीं थे तो ऐसे ही निकालते थे, ऐसे निकालते थे। इस काम के लिए इनको जिले को GI टैग भी मिला है। अच्छा GI टैग मिल गया? हाँ। और ये काम को करने वाले भी साथ ही परिवार है। अच्छा हाँ।
कितना सरल ढंग से ये जो है ये देखिए, पहले तो ये बांस लगा दिया गया और जैसे ही ये पैर उठाते हैं ये हवा भर जाता है। क्यों हवा भरता है संतोष जी? ये इससे सर ये चमड़े से हवा भरता है, इधर से जो होल है बांस उधर से ऊपर से खींचता है, जब इसको दबाते हैं तो पैक हो जाता है वो हवा, फिर निकल के इधर आ जाता है। अच्छा, और यहाँ ये हवा आ रही है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ से अंदर ये जलते जा रहा है, जलते हाँ, जा रहा है, जलते जा रहा है। तो कोयला जो है यहाँ जल रहा है? कोयला हाँ, कोयला और वो पत्थर, ये पत्थर और कोयला जल रहा है हाँ। अच्छा, तो ये पत्थर और कोयला यहाँ जल रहा है तो धीरे धीरे लोहा नीचे बैठते जाता होगा हाँ, है ना? कोयला भी खास तरह का है ये। अच्छा, राख अलग और लोहा अलग कैसे होता है? राख नहीं होता है। अच्छा, राख इसमें होता ही नहीं, होता ही नहीं, साल का लकड़ी में इसमें राख होता ही नहीं। अच्छा, ये साल का लकड़ी राख नहीं होता है? सराई की बोलते हमारे गाँव में। ओहो, सराई की लकड़ी है? उससे राख होता है। ये उड़ जाता है क्या? पूरा उड़ जाता है, नहीं होता है। अच्छा, वाओ, ये देखो एक और विशेषता आज पता चली कि सराई की लकड़ियों में राख नहीं होता, जबकि ये सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है। पहले ये पानी में निकलता है, रेल की पटरी इसी से बिछती है, इसी से बिछती थी, वही लकड़ी है, वही लकड़ी है। वाह, सराई के जंगल तो मेरे यहाँ बहुत है, मध्य प्रदेश बालाघाट परसवाड़ा बैयर क्षेत्र में। अच्छा, तो इसमें आप ये बताओ फिर, ये जो ये मिट्टी है इसमें कुछ मिट्टी है? नहीं, पत्थर है, ही है, वो लग रहा है, पत्थर है हाँ, तो इसकी कुछ राख तो बसती होगी इसकी? नहीं, डस्ट इस कचरा जो रहता है हाँ, वो अल्लाह के घर एक होल है उसको पैक करके रखते हैं हाँ, जो इधर इधर से खेत है उससे खोलते हैं तो बह जाता है। अच्छा, ये राख उसी का निकला हुआ नहीं, है? नहीं नहीं है, वो छपाई किए हैं, छपाई किए हैं, उससे बह जाता है और जो कचरा कचरा है और जो फिर लोहा लोहा जो रहता है वो डस्ट है उसमें। दिल्ली में एक लौ स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगती, उस लोहे को इसी विधि से बनाया गया हाँ, दादा लोगों ने। अच्छा, पुराने जो युद्ध करने की सामग्री भी जो होती थी हाँ, इसी सब इसी विधि से लोहा निकाल के बनाई जाती थी। सबसे मजबूत होता था उस समय, विदेश जाता था वो ऐसे ही बनता था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।